अपना भारत जो अनेकों रहस्यों से भरा पड़ा है, एक ऐसा देश जहां प्राचीन संस्कृति और परंपराएं मिलती हैं आधुनिकता और प्रोग्रेस से। सदियों से भारत में ऐसे रहस्य हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को, हिस्टोरियंस को, लोगों को उलझा रखा है अपनी ही मिस्ट्रीज में। उत्तराखंड के स्केलेटन लेक से लेकर बंगाल के अलिया घोष लाइट्स तक ये मिस्ट्रीज आज भी लोगों को बहुत फैसिनेट करती हैं। आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो ये अलग है बाकी जगहों से, और क्या रहस्य हैं यहाँ के, तो आइए जानते हैं अपनी इस आज की वीडियो में भारत के ऐसे ही कुछ अनसुलझे रहस्य जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, और इनसे जुड़ी कुछ कहानियाँ भी जानेंगे जो लोगों को और ज्यादा फैसिनेट करती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोज देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिस्ट्री ऑफ क्वींस विलेज। अपने देश भारत के केरल में कोधिनी नाम का ये एक गाँव है जिसे विलेज ऑफ क्वींस से भी जाना जाता है। ये गाँव बहुत फेमस है यहाँ के ट्विन बर्थ्स के हाई रेट को लेकर। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो इस गाँव में ट्विन बर्थ रेट सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। लगभग हर परिवार में ट्विंस है। पूरे वर्ल्ड में ट्विंस का एवरेज जहां 1000 बच्चों पर 4 का है, वहीं यहां का एवरेज 45 पर 1000 चिल्ड्रन है, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा है। इस गांव के लोगों का कहना है कि जुड़वा बच्चों का एवरेज पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। इस गाँव के इस रहस्य का कारण पता लगाने के लिए बहुत से वैज्ञानिक आए यहाँ पर, और सबने अपने अलग अलग रीजंस दिए थे। कुछ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इसके पीछे का कारण मानते हैं जेनेटिक्स को, वहीं कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इसकी वजह मानते हैं। बट यहाँ इतने जुड़वा बच्चे होने का कारण एक रहस्य ही बना हुआ है। रूपकुंड लेक। उत्तराखंड में 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये लेक, जिसे स्केलेटन लेक से भी जाना जाता है, इसका ये नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि 1942 में इस झील के किनारे 500 से भी अधिक कंकाल मिले थे, और वैज्ञानिकों के लिए ये एक रहस्य ही बना रहा कि इतने सारे कंकाल यहाँ आए कैसे, आखिर क्या वजह रही होगी इनकी मौत के पीछे। जब यहाँ की स्टडी करी गई तो कुछ वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे, और इनके सिर की हड्डियां टूटी हुई थी, जिससे उन्होंने दावा किया कि इनकी मौत बड़े ओले गिरने से हुई होगी। वहीं कुछ वैज्ञानिक इनकी मौत के पीछे का कारण बताते हैं प्राकृतिक आपदा को। वहीं कुछ के अकॉर्डिंग ये कंकाल यहाँ पर जमा हुए वर्ल्ड वॉर के दौरान। हालांकि रूपकुंड झील का सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता, और ये भी एक अनसुलझा रहस्य ही बना हुआ है। सोनिक बूम ऑफ जोधपुर। सोनिक बूम की ये घटना 18 दिसंबर 2012 को राजस्थान के जोधपुर की है। इस दिन यहाँ पर लोगों ने एक बहुत ही अजीब और तेज आवाज सुनी थी। ये आवाज ऐसी लग रही थी जैसे आसमान में कहीं विस्फोट हुआ था। ये साउंड इतनी तेज थी कि आसपास के देशों में भी ये आवाज सुनी गई थी। दोस्तों, जब कोई भी प्लेन साउंड की स्पीड से ज्यादा रफ्तार से चलता है तो उनके आपस में टकराने से एक आवाज पैदा होती है जो सुनने में किसी भारी विस्फोट की तरह लगती है, और जोधपुर में सुनाई देने वाली ये आवाज वैसी ही लग रही थी, जिसे नाम दिया गया सोनिक बूम। पहले तो कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये यहाँ पर वायुसेना का परीक्षण था, लेकिन बाद में इस बात से साफ इनकार कर दिया गया। तो ये आवाज उस समय आई कहाँ से, ये आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है। मिस्ट्री ऑफ हैंगिंग पिलर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में वीरभद्र टेंपल में है एक रहस्यमय पिलर, विच इज द मोस्ट फेमस पिलर ऑफ वीरभद्र टेंपल, जिसको आकाश स्तंभ से भी जाना जाता है। ये पिछले कई सालों से वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इस पिलर के नीचे से एक कपड़े को दोनों साइड आर पार कर रखा है फ्लोर पर। ये पिलर रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है, और ये खम्बा जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। वैसे तो इस मंदिर में कई पिलर्स हैं, पर ये पिलर ऐसा है जो जमीन से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये भी अपने आप में किसी मिस्ट्री से कम बिल्कुल नहीं है। मास सुसाइड ऑफ बर्ड। जतिंगा असम में स्थित
एक बहुत ही सुंदर सी वैली है। ये वैली जितनी सुंदर है इसका रहस्य उतना ही गहरा है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पक्षी मेटिंग के लिए या माइग्रेशन के लिए नहीं आते, बल्कि आते हैं सुसाइड के लिए। जतिंगा जो कि बहुत फेमस है यहाँ पर होने वाले इस मिस्टीरियस फिनोमिना के लिए, जो हर साल यहाँ देखा जाता है। इस स्थान का रहस्य ये है कि हर साल यहाँ पर बहुत सारे पक्षी झुंड में सुसाइड करते हैं, और उसमें भी चौंकाने वाली बात ये है कि ये पक्षी सितंबर अक्टूबर के महीनों में शाम के 7 बजे से 10 बजे के बीच ही सुसाइड करते हैं। अगर कुछ लोकल स्टोरीज की बात करी जाए तो उनके अकॉर्डिंग ये काम है इविल स्पिरिट्स का, जिनके कारण यहाँ पर ये होता है। वहीं कुछ साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए रिसर्च कर रहे थे, और उनके अकॉर्डिंग बर्ड्स इस टाइम आते हैं यहाँ माइग्रेट होकर, और वो भटक जाते हैं यहाँ की हैवी फॉग धुंध की वजह से, और वो गांव से आ रही रोशनी की तरफ उड़ान भरने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसी वजह से ही वो पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। बट इन सब के बावजूद भी इसके पीछे का असली कारण आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। यहाँ का ये अजीबोगरीब फिनोमिना जतिंगा को एक बहुत ही यूनिक डेस्टिनेशन बनाता है, जिसको देखने के लिए यहाँ पर हजारों टूरिस्ट जाते हैं। मिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिक हिल, ये एक छोटा सा रूट है जो करगिल की ओर लगभग 30 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एक ऐसा रूट है जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना बंद कर देता है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन जब आप अपनी कार का इंजन बंद करके या न्यूट्रल गियर में करते हैं तो कार अपने आप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है, और इसके बाद कार की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। बहुत से लोगों का कहना है कि इसके पीछे है यहाँ की मैग्नेटिक फोर्स जो कि कार को पुल करती है। इवन यहाँ से गुजरने वाले प्लेन्स भी इस मैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचने के लिए अपना एल्टीट्यूड बढ़ा लेते हैं। कोंग का ला पास, कोंग का पास लद्दाख में भारत और चीन की सीमा के बीच मौजूद है। इस जगह में भारत और चीन की सरकार के विवादों के कारण कोई भी नहीं जाता, लेकिन वहाँ के लोकल्स का कहना है कि इस स्थान पर कई बार UFO देखा गया है, और लोकल्स के अलावा जो भी यहाँ गए हैं सबने UFO और उनके निशान पाए जाने की बात कही है, और इन्हीं सभी घटनाओं ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, और इसका ये रहस्य आज भी अनसुलझा ही है। द अनिया घोस्ट लाइट, बंगाल के वेटलैंड्स में पाई जाने वाली ये लाइट्स अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। पश्चिम बंगाल के वेटलैंड्स में इन लाइट्स के देखे जाने पर लोकल्स के अकॉर्डिंग ये उन फिशरमैन्स की आत्माएं हैं जो मछली पकड़ते वक्त किसी वजह से यहाँ मर गए थे। लोग इन्हें भूतों की रोशनी भी कहते हैं। ये लाइट्स सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई जगह देखी जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। अब लोकल्स के अकॉर्डिंग तो अलग स्टोरी है, बट वैज्ञानिकों ने इसके पीछे कुछ अलग रीजंस दिए हैं। उनके अकॉर्डिंग वेटलैंड्स में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल से गैसेस बनती हैं, जिनकी वजह से ये अलिया घोस लाइट्स क्रिएट होती हैं। तो जब गैसेस सरफेस से ऊपर की तरफ जाती हैं और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आती हैं, तो उनके ऑक्सीडेशन और आयनाइजेशन की वजह से ये डिफरेंट कलर्स की लाइट अपीयर होते हैं। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के कुतुब मीनार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और उसी कुतुब मीनार के पास है ये आयरन पिलर। माना जाता है कि ये पिलर 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लोहे से बना हुआ है, और सदियों से खुले आसमान के नीचे होने के बावजूद भी इस पर आज तक जंग नहीं लगी है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। इसे राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। इसकी ऊंचाई 7 मीटर से ज्यादा है, और ये जमीन में 3 फुट 8 इंच नीचे गड़ा हुआ है। इसका वजन 6000 किलो से भी ज्यादा है। अब ये हिस्टोरियंस के लिए किसी पहेली से कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस लोहे के स्तंभ में इतने सालों के बाद भी जंग नहीं लगी है। और इसी का खुलासा करने के लिए 1998 में IIT कानपुर के एक प्रोफेसर डॉक्टर आर सुब्रमण्यम ने एक प्रयोग किया, और रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि इसको बनाते समय पिग आयरन में फास्फोरस को मिलाया गया था,
और यही वजह है कि इसमें आज तक जंग नहीं लग पाई है। निधि वन, वृंदावन। वृंदावन के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। आज हम आपको वृंदावन के निधि वन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो काफी रहस्यों से भरा हुआ है। शाम होने के बाद यहाँ के मंदिर के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद रखा जाता है और किसी को भी यहाँ जाने की अनुमति नहीं होती। निधिवन में 16,000 के करीब ऐसे पेड़ हैं जो सभी टेढ़े मेढ़े आकार के हैं। कहा जाता है कि ये सभी पेड़ भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ हैं, जो रात में अपने रूप में आ जाते हैं और सुबह होते ही फिर से पेड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। निधिवन के पेड़ों की खास बात ये भी है कि ये सभी पेड़ नीचे की तरफ झुके हुए हैं, जबकि आमतौर पर पेड़ का आकार सीधा होता है। और इनमें भी चौंकाने वाली बात ये है कि शाम के समय मंदिर में रखा प्रसाद सुबह के समय बिखरा हुआ मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ का रहस्य भी आज तक अनसुलझा ही है। तो आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। हमें अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।